जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का बड़ा बयान, कहा कि गठबंधन और कहां के प्रत्याशी दिमाग घूम जाता है, स्थानीय प्रत्याशी को ही चुनना चाहिए। मुझे लगातार 6 बार कुंडा की जनता ने जिताया, समाज में कहीं जातिवाद नहीं है। जातिवाद नेता अपने फायदे के लिए फैलाते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेता ऐसा करते हैं। नेता समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। प्रेम और भरोसा काम ना हो, दिन रात कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लहर में बहुत ऐसे विधायक जीत जाते हैं लेकिन दोबारा नहीं जीतते। यह कहां चुनाव, यहां का उत्साह बहुत अच्छा है। जीती हुई सीट बीजेपी ने अपना दल को दे दिया। चायल विधानसभा के प्रत्याशी अनिल केसरवानी के समर्थन में राजा भैया ने किया रोड शो एवं जनसभा को संबोधित। आधे आपको कहेंगे, आधे आपको आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, ये लीजिए मेरा नंबर, ये मेरा कार्ड है, इसको रखिए कभी कोई जरूरत हो। अगर निर्वाचित हो गए आपको लगा कि नहीं, वाकई बड़ा सक्रिय है, इसको तो आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद दे दिए, प्रत्याशी विधायक हो गया, अब आपको कोई जरूरत पड़ी महीना दो महीना बाद तो आपको बात याद है, कार्ड देकर चले जाएंगे, निकालो जरा मिलाओ, बात हो जाए, अपनी समस्या तो बता रहे। और जब आप उस नंबर पर डायल करते हैं तो उसमें विधायक जी के बजाय एक बड़ी मीठी सी सुरीली सी आवाज आती है एक महिला की, कि डायल किया हुआ नंबर सेवा में नहीं है, इसलिए आपको कहना चाह रहे हैं ऐसा नंबर डायल करिए जो सदैव आपकी सेवा में रहे, सदैव आपके दुख में रहे, तो दुख में आपके साथ खड़ा है। दूसरी बात, और किसी दल के विधायक को आप चुनेंगे, मान लीजिए विधायक जी गायब हो गए, नहीं उपलब्ध है, या कोई काम ऐसा है जो विधायक जी के अकेले के बस का नहीं है, या उनकी कार्यशैली बदल गई, व्यवहार बदल गया है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करने कहां जाएंगे, किस राष्ट्रीय अध्यक्ष से? आप संभव नहीं है, क्योंकि गांव का मजदूर, किसान, व्यापारी कहां जाएगा। लेकिन हमारी यहाँ तो गंगा भाई पार करने की जरूरत है, एक खराब का अवसर भी है, जब भी कोई बात होगी, वैसे ये विश्वास है कि हम जी सक्षम है हर समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन इनको अपने और साथियों की जरूरत पड़ेगी तो पूरा जनसत्ता दल परिवार आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। समय भी बहुत कम है, आज 23 तारीख हो गई है, आप जानते हैं कि 25 को प्रचार बंद हो, प्रचार बड़े बड़े नेता करने आते हैं, आएंगे, आदरणीय मोदी जी भी आ जाए, तमाम नेता आएंगे, आते हैं चुनाव में, लेकिन प्रश्न हमारा वही है कि अगर विधायक जी से कोई समस्या हो गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप कहां पकड़ेंगे, और ये आपके बीच के रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये कौटांगी छोड़ के और अपना घर छोड़ के और चाहे विधानसभा छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, ये आपके बीच के, और सभी व्यापारी भाइयों से विशेषकर हम कहना चाहते हैं, सम्मान और जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक या सांसद, वो जनता की सेवा के लिए होता है, इसीलिए लोकतंत्र है, इसीलिए आप लोग मतदान करते हैं। विकास यानी कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये विकास के 5 मूल स्तंभ हैं जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इस विकास के साथ साथ सबसे आवश्यक होता है सम्मानित मतदाताओं के मान सम्मान की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान की सुरक्षा, और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक जनसुलभ हो, आपके बीच रहता हो, जब आप आवश्यकता समझें आप उनसे संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं, उसका निराकरण कर सके, उसका निदान हो सके, उसका समाधान हो सके। आपने देखा होगा कि लहरों में विधायक जीतते हैं लेकिन अगला चुनाव आते ही जनता उनको नकार देती है, उनको हटा देती है, और उसका कारण यह है कि
निर्वाचित होने के बाद बहुत से विधायक, हम चाहे कि अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से विधायक वो अपने खेत खेत खलिहान गांव गांव मेयर खंडा सड़क ये सब भूल करके और दिल्ली और लखनऊ की चकाचौंध में खो जाते हैं। धरती से उनके पांव ऊपर उठ जाते हैं, जमीन से कोई नाता नहीं रहता रह जाता है। इसलिए जनता भी उनको आने वाले दिनों में चुनाव में अलविदा कर देती है। कुंडा की महान जनता ने लगातार सेवा में डली और हर बार बढ़े हुए मानदेश, हर बार बढ़े हुए मानदेश की शिकायत, हर बार जो भी प्रत्याशी आते हैं जिस भी दल के हों उनकी जमानत जब्त होती है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जितना बड़ा जीत का अंतर होता है उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है, उतना ही हमारा दायित्व भी बढ़ता जाता है कि इस प्रेम में, इस समर्थन में, इस भरोसे में, इस विश्वास में कहीं कोई कमी ना आने पाए। हमको विश्वास है कि आपने सब पे एक नजर डाल ली होगी, फिर की क्या पृष्ठभूमि है, क्या यादें हैं, और इसके साथ ही साथ शायद विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं ने हर पार्टी को मौका देकर हर विधायक को अजमा दिया, हर पार्टी को अपनी सेवा का अवसर दिया। जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, अभी सांसद जी बोल रहे थे,